हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब फैमिली टेक्निकल सूरज में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू कस्टम योर यूआरएल, हाउ टू चेंज योर यूआरएल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कस्टम यूआरएल को आप कैसे कर सकते हो और अपने यूआरएल को जो है कैसे एडिट कर सकते हो। आपका अगर खुद का यूट्यूब चैनल है या क्रिएटर्स हो यूट्यूब पे, अगर आप इन फ्यूचर अपने यूट्यूब चैनल को ब्रांड करना चाहते हो, अपने अच्छे से लुक देना चाहते हो उसको यूआरएल को, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे www फलाना www चिलना जितने भी होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप स्पेशल करेक्टर के साथ यूट्यूब यूआरएल को कैसे कस्टम करते हैं, तो वही मैं आज आप लोगों को लाइव जो हूँ सिखाने वाला हूँ। जहाँ दोस्तों, तो लाइव आप लोगों को रिकॉर्डिंग से बताऊंगा कि कैसे यूआरएल को कस्टम करते हैं, कैसे उसको ब्रांड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे से ब्रांड में कैसे उसको बदलते हैं, उसको यूआरएल को कैसे देखने में वो जो है अच्छा लगेगा और किस तरह से वो जो है आप लोगों को अट्रैक्टिव जो है दिखेगा दोस्तों। तो इसी सारी बातें को जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइव। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट YouTube और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हर एक जानकारी आपको मिलती है। आपका चैनल अगर 100 सब्सक्राइबर है या उससे मोर देन सब्सक्राइबर है तो आप इलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपका चैनल जो है कम से कम 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके चैनल जो है, यहाँ पे आइकॉन्स जो है उसमें आपका जो है स्पेशल एक फोटो अपलोड होनी चाहिए। उसी के साथ साथ चैनल आर्ट भी आपका होना चाहिए। लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे आना है। क्रिएटर स्टूडियो पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे आने के बाद आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा स्टेटस एंड फीचर्स का। तो आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद आप नीचे चले जाना है। आपको वहां पे घबराना नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल है दोस्तों। कस्टम यूआरएल आप लोग देख रहे हैं, कस्टम यूआरएल आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे में इलिजिबल है मेरा चैनल, आपका भी इलिजिबल रहेगा, तो यहाँ पे इलिजिबल रेखा रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे, क्लेम इट हेयर पे जो है क्लिक करना है सिंपली कस्टम यूआरएल के नीचे। उसमें क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे एडवांस सेटिंग का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चैनल सेटिंग का जो सबसे पहला ऑप्शन आता है इलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल क्लेम इट हेयर, उस पर क्लिक करना है। क्लेम इट हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गेट ए कस्टम यूआरएल का जो ऑप्शन आ गया है, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जितना भी है उसमें जो है टाइप करना है, एड ए फ्यू कैरेक्टर्स उस पर हमको ऐड करना है। जो भी कस्टम करना है आपको यूआरएल को अपने यूट्यूब चैनल का, उसको यूआरएल को आप कस्टम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ऐड कर देते हैं टेक्निकल सूरज फैमिली लिख देते हैं, मान लेते हैं 123 लिख देते हैं, 123 ये मेरा एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया कस्टम यूआरएल का। तो इस तरह से 123 हम लिख दिए हैं। उसके बाद जो हमको यहाँ पे रीड एंड एग्री टर्म एंड कंडीशन पे जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमको सेलेक्ट करने के बाद यूआरएल को जो है कस्टम कर दिए हैं। 123 जो है मेरा मेन कैरेक्टर्स है, तो इसको जो आप चेंज यूआरएल पे क्लिक कर देते हैं सिंपली सी। चेंज यूआरएल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको यूट्यूब की तरफ से एक कन्फर्म कस्टम यूआरएल पे चॉइस आया है। जहाँ दोस्तों, तो ये मेरा जो है कस्टम यूआरएल देख रहे हैं कि इस तरह से होगा, youtube.com/technicalsuraj123। तो ये मेरा हो गया कस्टम यूआरएल 123 मेन कैरेक्टर। यहाँ पे हम कंफर्म चॉइस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म चॉइस जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग भी, यहाँ पे कि कुछ इस तरह से जो है मेरा अब इलिजिबल्स हो गया है और मेरा जो है यहाँ पे यूट्यूब से तरफ से जो है मेरा कस्टम हो चुका है यूआरएल। तो इस तरह से आप लोग को जो है कस्टम हो जाएगा यूआरएल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही सिंपल वे में है, एंड यू कैन आल्सो डू इट कस्टम यूआरएल। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी इंप्रेस करना ना भूले, ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड हर एक जानकारी आप लोगों को फ्री में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सूरज कुमार आपका दोस्त, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।